कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में गरीब बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए पोहरी वन परिक्षेत्र अधिकारी केपीएस धाकड़ के मार्गदर्शन में पोहरी वन परिक्षेत्र स्टाफ भी मानवता का फर्ज निभाने से पीछे नहीं है। पोहरी वन मंडल द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी केपीएस धाकड़ के नेतृत्व में मिलकर खाद्यान्न के पैकेट बनाए, जिसमें आटा, तेल, साबुन, नमक, मिर्ची शामिल है, जिसमें ग्राम लेंगड़ा, गलथुनी, छर्च, सरबानी के गरीब आदिवासियों और जरूरतमंद व्यक्ति को 50 खाद्यान्न की किट वितरण की गई। इस मौके पर ग्रामीणों को थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आपकी मदद के लिए शासन और प्रशासन तैयार है और आपके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं। पोहरी रेंजर साहब आपके लिए ये सामान लेकर आए हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी धाकड़ ने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ने पर आप थाना प्रभारी जी को बता दें, आपके लिए सामान भिजवाया जाएगा, इसलिए आप चिंता नहीं करें। आज पोहरी परिक्षेत्र के अंतर्गत सर्च एरिया में आदिवासी परिवारों को 40-50 परिवारों को राशन का वितरण वन परिक्षेत्र पोहरी के स्टाफ के सहयोग से किया गया है, और जिसमें कि आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, साबुन इत्यादि सामग्री का वितरण किया गया है।